तो भाई स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। और यहाँ पर रॉ की हम बात करेंगे अलग से वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में यहाँ पर मुझे बताने के लिए आपके लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हैं, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं लोगन पॉल के बारे में। तो लोगन पॉल के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफ़ी सारे यहाँ पर अभी बातचीत चल रही थी कि भाई उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है, तो अब उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि उन्होंने अंदर ही अंदर यहाँ पर एक डील साइन कर लिया WWE के साथ। तो कल यहाँ पर लोगन पॉल ने खुद से इस चीज़ को अनाउंस कर दिया कि उन्होंने जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिन्यू कर लिया है और WWE के साथ यहाँ पर वो रहने वाले हैं। अब उनका कॉन्ट्रैक्ट कब तक का है इस चीज़ को तो उन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया कब तक की उन्होंने डील साइन की है, लेकिन रिपोर्ट्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर लोगन पॉल ने साइन कर लिया WWE के साथ। अब अगर आपने एक चीज़ को नोटिस किया होगा, यहाँ पर जो लोगन पॉल ने यहाँ पर कल इस फोटो को डाला था, और जो सबसे पहले उनकी फ़ोटो थी जब उन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर WWE के साथ डील साइन की थी, ये जो दोनों ही फोटो हैं काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। बस फ़र्क इतना है कि एक फ़ोटो में यहाँ पर स्टेफनी मैकमैन नहीं है, लेकिन फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा सेम है। तो कुछ लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि लोगन पॉल ने उसी फ़ोटो को यहाँ पर फोटोशॉप कर दिया और इसको यहाँ पर डाल दिया है। तो लोगन पॉल ने खुद ही यहाँ पर ये ट्वीट किया जहाँ पर वो बता रहे थे कि कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये मैंने फ़ोटोशॉप किया है, लेकिन आप इस फोटो को देखो। उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया कि यहाँ पर उनकी जैकेट का कलर अलग है और जो प्राइम बोतल रखी है उसका फ्लेवर अलग है, लेकिन वो यहाँ पर इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं। लेकिन मुझे भी यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि उन्होंने इसको फोटोशॉप ही किया है, क्योंकि अगर आप देखो सारी चीज़ें तो एग्जैक्ट यहाँ पर सेम है। जिस पोज में यहाँ पर वो खड़े हैं, जो स्माइल है उनके फेस पे, पूरी यहाँ पर सेम ही फोटो लग रही है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये नहीं है, पॉइंट यहाँ पर ये है कि लोगन पॉल ने यहाँ पर WWE के साथ डील साइन कर लिया है और WWE के अंदर यहाँ पर वो रहने वाले हैं। तो देखते हैं फ्यूचर में उनके क्या कुछ हमें ड्रीम मैचेस देखने को मिलते हैं। अगली अपडेट की बात करें अगर, इस बात करते हैं यहाँ पर स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में, जो कि कल व्यूअरशिप वाली वीडियो में मैंने आपको बता दी थी, लेकिन यहाँ पर वो ओवरनाइट नंबर थे, तो एक्चुअल व्यूअरशिप यहाँ पर आ चुकी है सामने। और यहाँ पर स्मैकडाउन की इस हफ्ते की जो व्यूअरशिप थी वो यहाँ पर 2.4 मिलियन के आसपास रही है, जो कि कह सकते हो काफ़ी एक अच्छे नंबर्स हैं। वैसे अगर आपने कल की व्यूअरशिप वाली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हो। और यहाँ पर ये थी इस हफ्ते की स्मैकडाउन की व्यूअरशिप। अगली अपडेट की बात करें अगर, इस बात करते हैं यहाँ पर कुछ सुपरस्टार्स के बारे में जिनको WWE ने अंदर यहाँ पर साइन कर लिया, लेकिन उनका अभी रिटर्न या फिर डेब्यू अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स बता रही है कि WWE ने एरिक यंग यहाँ पर WWE के साथ 1 नवंबर 2022 से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में है, लेकिन अभी तक उनका रिटर्न नहीं हुआ है। और जैक राइडर को लेके भी यहाँ पर ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जैक राइडर भी यहाँ पर WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, लेकिन उनका भी अभी तक रिटर्न नहीं हुआ है। तो कुछ सुपरस्टार्स हैं जो कि WWE ने उनको अंदर ही अंदर साइन कर लिया, लेकिन अभी तक उनकी वापसी नहीं कराई है। और वो मुझे यहाँ पर इसलिए लग रहा है कि शायद WWE उनको ड्राफ्ट के अंदर ही लेके आएगी, मुझे यहाँ पर लग रहा है। मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर जो मैट कार्डोना यानी कि जो जैक राइडर हैं वो यहाँ पर रसलमीना के अंदर भी आए थे। तो WWE ने ऐसे ही कुछ और सुपरस्टार्स को भी यहाँ पर अंदर ही अंदर साइन करके रखा है, लेकिन अभी तक उनका रिटर्न नहीं करा है। तो एरिक यंग को लेके भी यही कुछ रिपोर्ट्स हैं, बाकी देखते हैं WWE इस बार के ड्राफ्ट में क्या करती है, कौन कौन से सुपरस्टार्स यहाँ पर रिटर्न करते हैं और इनके अलावा WWE ने किन को और साइन करके रखा है, तो वो देखेंगे आने वाले टाइम में। शायद कुछ आने वाले टाइम में कुछ बड़े ही होने वाले हैं WWE के अंदर। अगली अपडेट की बात करें अगर, इस बात करते हैं यहाँ पर मैट रिडल के बारे में। तो मैट रिडल ने यहाँ पर लास्ट वीक ही अपना रिटर्न किया था WWE के अंदर, जहाँ पर वो रॉ के अंदर भी आए थे और स्मैकडाउन के अंदर भी आए थे। तो कुछ लोग भाई यहाँ पर ये सोच रहे थे कि WWE ने उनको दोनों ब्रांड के अंदर ही लेके आई। तो रिपोर्ट्स यहाँ पर ये बता रही हैं कि भाई जो मैट रिडल हैं वो यहाँ पर रॉ के अंदर भी आएंगे, स्मैकडाउन के अंदर भी आएंगे, और इसके अलावा WWE के लाइव इवेंट्स के अंदर भी वो अपीयर होने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जो इतनी टाइम की एब्सेंट थी यहाँ पर मैट रिडल की, उसको WWE पूरा करेगी, उसकी भरपाई करेगी, जहाँ पर वो हर एपिसोड में उनको लेके आने वाली है। तो हाल फिलहाल यहाँ पर ये कुछ रिपोर्ट्स हैं मैट रिडल को लेके, जहाँ पर उनका अब जो शेड्यूल है काफ़ी ना बिजी होने वाला है, क्योंकि WWE के हर एक शो में उनको आना है। तो मैट रिडल को लेके भाई ये कुछ अपडेट हैं। अगली अपडेट की बात करें होगा, बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। तो जॉन सीना को तो अभी हमने देखा था रसलमेनिया के अंदर उनका मैच हुआ था, हालांकि वो उस मैच को हार गए थे, लेकिन अभी ये रिपोर्ट निकल के आई है, कुछ कन्फर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन WWE यहाँ पर ऐसा डिस्कस कर रही है कि जॉन सीना को लेके आना अगले सऊदी के शो में, यानी कि किंग ऑफ द रिंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के उस पे पर व्यू के अंदर। तो ऐसा यहाँ पर WWE के अंदर डिस्कस किया जा रहा है कि वहाँ पर जॉन सीना को लेके आना और बल्कि उनका कोई मैच भी कराना, मतलब रेसलिंग वहाँ पर करेंगे जॉन सीना। और वैसे भी यहाँ पर हम देखते हैं जो सऊदी की डील है वहाँ पर, तो भाई मतलब लेजेंड्स को यहाँ पर परफॉर्म करने के पैसे दिए जाते हैं, लेजेंड्स ही वहाँ पर हम देखते हैं जो कि आते हैं। तो हो सकता है जॉन सीना वहाँ पर हमें देखने को मिल जाए, हालांकि अभी ये डिस्कस चल रहा है, कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि जॉन सीना अगर एग्री करेंगे तो ही यहाँ पर ये हो पाएगा, अगर उनको टाइम ही नहीं होगा तो फिर वो आ ही नहीं पाएंगे। तो फिलहाल के लिए कुछ अपडेट है जॉन सीना को लेकर, देखते हैं
जॉन सीना WWE के अंदर आते हैं, और भाई अगर आ गए तो काफ़ी जल्दी होगा कि उनका सेकंड मैच भी हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी आपका क्या कहना है इसके बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, और फिर तब तक के लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार का। तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।